Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So, today we are going to discuss about a new chapter of a new book, Economics Class 12. So, let's start a new chapter, jiska naam hai Introduction of Microeconomics and Macroeconomics. But, Microeconomics and Macroeconomics samajhne se pehle hame ye pata hona chahiye ki इकोनॉमिक्स क्या होता है ना. बट इकोनॉमिक्स समझने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होता है ना. सो चलिए लेट्स स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 1. तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा इकोनॉमी होता क्या है. व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. सो देखो इकोनॉमी को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, इकोनॉमी को हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं. अब इकोनॉमी को हम एज अ सिस्टम बोलते क्यों है. देखो इकोनॉमी क्या होता है, एक मींस टू अर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्या एक जरिए का काम करती है, टू अर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्या ये एक जरिए का काम करता है कि जो हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न करते हैं, हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहां से अर्न करते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं. कभी आपने सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्या है. तो जिस तरीके से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी काम करती है, जहां से जो इंसान अपनी इनकम अर्न करता है, ठीक है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना. और जो इंसान अपनी इनकम कमा रहा है उसको किस तरीके से वो अपनी इनकम को खर्च कर रहा है, वो इंसान उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है. तो एक सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमी क्या होती है, जहां से इंसान अपनी इनकम कमाता है और उसको किस तरह से अपनी इनकम को खर्च करता है, ना कि अपनी इनकम को वेस्ट करे, अपनी इनकम को बचा के रख के यूजफुल मैनर में उसको क्या करे, खर्च करे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं. इकोनॉमी को हम सिस्टम क्यों बोलते हैं, इकोनॉमी को सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंसान अपनी इनकम जहां से कमाता है उस जरिए को इकोनॉमी हम बोलते हैं. इकोनॉमी एक मींस टू अर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का काम करता है, ठीक है ना. तो देखो अब हम अपने नोट्स में से देखेंगे कि इकोनॉमी का मतलब होता क्या है. इकोनॉमी इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एटसेट्रा. अभी मैंने बताया था ना कि जो इनकम हम अपनी कमाते हैं उसको किस तरीके से अपन उसको क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसको यूजफुल तरीके से स्पेंड कर, जहां जरूरत है सिर्फ हम वहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं. ठीक, ट्राइंग टू सेव नॉट टू वेस्ट समथिंग. Trying to save, not to waste something. जो हम इनकम अपनी कमा रहे हैं उसको बचा के रखें किसके लिए, फ्यूचर इवेंट्स के लिए, ठीक है ना. इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंट्री मनी सप्लाई कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्री. इधर क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंट्री मनी सप्लाई. जो हमारी कंट्री में किस तरीके से क्या होता है, मनी सप्लाई होता है, ठीक है ना. हमारी कंट्री में कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, इन्हीं सब का एक ओवरऑल सम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं. तो एक सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमी क्या होता है, जहां से इंसान अपनी अर्निंग क्या करता है, अर्न करता है, और जहां अपनी इनकम को खर्च करता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर. हाँ, अब देखो जब हमें इकोनॉमी समझ में आ गया तो अब इकोनॉमिक्स हमारे लिए समझना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा. देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है ना. देखो जो इकोनॉमिक्स कहां से आया है अब हम वो देखते हैं, ठीक है. देखो इकोनॉमिक्स आया टू ग्रीक वर्ड से, किससे, टू ग्रीक वर्ड से. पहला क्या है, ओइको, एंड दूसरा क्या है, नॉमस, और जिसको हम क्या बोल, और इसको नोमिया भी हम बोल सकते हैं. अब देखो ओइको का मतलब क्या होता है, इको, एंड नॉमस और नोमिया का मतलब क्या होता है, नॉमिक्स. जब हम दोनों, एक मिनट, हाँ, और फिर इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है हाउस होल्ड. क्या होता है, हाउस होल्ड. अब हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड का मतलब घरेलू, ठीक है ना. और नॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट. जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इको नॉमिक्स, और
जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आपके घर में आपका हाउस होल्ड मैनेजर सबसे अच्छा कौन है, आपकी मम्मी, ठीक है ना। जब लॉकडाउन से पहले जब हमारे यहाँ सबसे अच्छा हाउस होल्ड मैनेजर कौन होता था, हमारी मम्मी अपने चावल के डिब्बों में पैसे बचा के रखती थी, ठीक है ना, पल्सेस के दालों के डिब्बे में बचा के रखती थी पैसे, है ना। मम्मियों से अच्छा हाउस होल्ड मैनेजर कोई और नहीं हो सकता है। बट जैसे ही करेंसी हमारी चेंज हुई, वो करेंसी चेंज होने से हमें असलियत पता चली कि हमारी मम्मियां क्या होती हैं, सबसे बढ़िया हाउस होल्ड मैनेजर होती हैं। हमारे घर को सबसे अच्छा कौन चला सकता है, हमारी मम्मियां, ठीक है ना। तो ऐसे ही हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी इनकम है, जैसे आपकी इनकम है 500 रुपीज, है ना, आपकी इनकम कितनी है 500 रुपीज, उसमें से आपका रोज का खर्च खाने पीने में 300 रुपीज का है, ठीक है ना, और उसमें से आपके अगर चाइल्ड वगैरह है तो उनका 100 रुपीज का खर्चा मान लो। तो जो आपका ये जो बचा हुआ 100 रुपीज है, ये आपको क्या करना चाहिए, अपनी इनकम का सेव करना चाहिए। किसके लिए, आपके फ्यूचर में जो भी इवेंट्स वगैरह आ रहा है, फ्यूचर में कोई भी आपका मतलब कोई भी इवेंट या कोई भी रिस्क वगैरह हो गया, ठीक है, क्राइसिस डिस्प्यूट होगा, उसमें पैसा खर्च हो रहा है आपका, तो कुछ भी चीज हो गई फ्यूचर इवेंट्स के लिए, आपको अपना पैसा क्या करके रखना चाहिए, थोड़ा अमाउंट अपना सेव करके रखना चाहिए। इसी चीज की स्टडी को, हम अपना पैसा कैसे सेव करें, कैसे हम अपना पैसा यूज करें, किस तरीके से यूज किया जाए, उसका यूजफुल पूरा जो हमारी इनकम है उसको हम कैसे यूज करें, इसी सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारी इनकम है उसको हम किस तरीके से कहां कहां अलग रिसोर्सेज पे लगा सकते हैं, कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, यही सारी पूरी स्टडीज को इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। पूरी इन सब की स्टडी को, हाउस होल्ड मैनेजमेंट की स्टडी को, या फिर हम अपना पैसा किन किन एरियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पैसा हम अपना लगा सकते हैं, इन्हीं सब की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इधर लिखा हुआ है ना, इकोनॉमिक्स ड्राइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओइको नॉमस, ओइको का मतलब इको एंड नॉमस का मतलब, नॉमस का मतलब नॉमिक्स, ठीक है ना, इको का मतलब हाउस होल्ड, इकोनॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एंड मीनिंग। देखो इधर हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द, हमारे देखो जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, सबने अपनी क्या क्या दी है, अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। जितने बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका कुछ और मानना है, किसी का कुछ और मानना है, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या दिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी क्या दी है, डेफिनेशन दी है। तो उनमें से एक डेफिनेशन इधर क्या है, जो मुझे लगता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, देखो जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कैसिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी डिमांड सप्लाई, स्कैसिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी डिमांड बहुत हाई रहती है और सप्लाई कम रहती है। अब डिमांड किस चीज की, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की जब हमारी गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है ना, जिसकी वजह से, और उसकी सप्लाई क्या रहती है, कम रहती है। अब जिसकी वजह से जब सप्लाई कम रहेगी कोई भी चीज बिकेगी नहीं, ठीक है, मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है ना, और उसकी सप्लाई कम है, कोई भी उसके ग्राहक बहुत सारे हैं, और जब आपके पास ग्राहक बहुत सारे रहते हैं और आपके पास जब रिसोर्सेज नहीं रहते हैं बेचने के लिए, तो आप उसका क्या करते हो, जितना भी आपके पास है उसका प्राइस बढ़ा के आप बेचते हो, ठीक है ना। तो ये स्कार्सिटी क्या होता है, जब जिसकी किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, ठीक है ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। किसी चीज की प्रोडक्ट की कमी पड़ने को हम स्कार्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड हाउ इट इफेक्ट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी की स्टडी है, ठीक है ना, और वो हमारे कंट्री को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, उसी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है ना, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमिक्स की मीनिंग। देखो, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स आर मेड, मूव अराउंड एंड यूज्ड। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी,
क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी, कि चीज कैसे यूज होती है, कैसे चलती है और कैसे उसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। क्या इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, कि चीज को हम कैसे बनाते हैं, उस चीज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं और उस चीज को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, जो भी हम जहां से हम अपनी इनकम कमाते हैं और जिस तरीके से हम अपनी इनकम खर्च करते हैं, जहां हम अपनी इनकम खर्च करते हैं उसी सब प्रोसेस को, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक ओइको और एक नोमस। ओइको का मतलब क्या होता है, हाउसहोल्ड, एंड नोमस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। तो दोनों को मिला के हम इकोनॉमिक्स को क्या बोल सकते हैं, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, इकोनॉमिक की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी है, क्या है, स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी, और वो स्कैर्सिटी हमारी एनवायरमेंट को, हमारी कंट्री को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, उस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एक और हमने मीनिंग भी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स क्या है, जहां हम अपने गुड्स को किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से उन गुड्स को चला रहे हैं और उनको कैसे यूज कर रहे हैं, उनका तरीका क्या है यूज करने का, इन सारी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, इतना सब नोट कर लो जल्दी से। पॉज करके आप आराम से कर लेना, ठीक है ना। ये देखो स्कैर्सिटी तो हम समझ ही चुके ना, स्कैर्सिटी मींस द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस इज ग्रेटर देन द एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड और सर्विस। जो मैंने बताया आपको कि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कैर्सिटी बोलते हैं। क्लियर। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स जो हमारा मेन चैप्टर है, अब हम मेन चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ मेन चैप्टर भी हमारा क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो हम समझेंगे यार माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखो जैसे कि ये क्या है, एक सिटी है, क्या है, सिटी, और ये सिटी में ये क्या है, कॉलोनीज है, बहुत सारी कॉलोनीज हुए, मोहल्ले हुए, टाउन, ठीक है ना, बहुत सारे क्या है, कॉलोनी सिटी है पूरी, ठीक। जैसे कौन सी सिटी हुई, झांसी सिटी है हमारी, ठीक। अब देखो इधर जो ये वाली सोसाइटी है, इसका कौन, इसका लीडर है, इस सोसाइटी का क्या है, एक लीडर है, ठीक। इस सोसाइटी का लीडर है, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है, अपनी सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल बनवाना चाहता है, ठीक है ना। क्या बनवाना चाहता है अपनी सोसाइटी में, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, और उसके साथ साथ क्या, बच्चों के लिए पार्क्स। अभी अपनी सोसाइटी में क्या, थोड़े प्लेग्राउंड्स बनवा रहा है, जिससे जो बच्चे क्या रहे हैं उसकी सोसाइटी में खुश रहे, ठीक है ना, एक्टिव रहे बच्चे, थोड़े खेल कूद में थोड़ा उनका क्या लगे, दिमाग लगे, इसके लिए वो क्या बना रहा है, हमारे अपनी सोसाइटी में स्विमिंग पूल वगैरह और प्लेग्राउंड बना रहा है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये किस चीज को, किसकी सोसाइटी को इफेक्ट करेगा ये सब चीज, ये इफेक्ट करेगा किसकी सोसाइटी को, उसकी, सिर्फ उसकी सोसाइटी को, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल सोसाइटी को, ठीक है ना। इसको हमारी ये झांसी सिटी जितनी है, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, सिर्फ इफेक्ट किसको पड़ेगा, ये पर्टिकुलर सोसाइटी को, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर चीज की इनकम के बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में, तो उन्हीं पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अभी आगे चलकर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें और हमें क्लियरिटी आएगी, ठीक है। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो ये तो हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
बट जब हम हमारी पूरी झांसी सिटी के बारे में कुछ चीज सोचेंगे, है ना, क्या पूरी सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी को लेके नहीं, जब हम पूरी हमारी झांसी सिटी को लेकर सोचेंगे ना, पूरी झांसी सिटी के बढ़ने के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। झांसी सिटी में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, वाटर पार्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वाटर पार्क हुआ, ठीक है, स्टेडियम हुआ, ठीक, जिससे क्या है बाहर के टूरिस्ट क्या आएंगे हमारे यहाँ घूमने आएंगे, जिससे हमारी झांसी सिटी क्या होगी और ग्रो होगी। अब ग्रो होगी तो इसका इफेक्ट किसको मिलेगा, पूरी झांसी सिटी को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है हमारा जो भी सिटी है, पूरी सिटी क्या होगी, अब इससे ग्रो होगी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी पूरी सिटी के बारे में। जब हम पूरी कोई भी एक बहुत बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम हमारी कंट्री के बारे में बात करेंगे, कोई भी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बड़ी पूरे मार्केट के बारे में बात करेंगे, उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो एक एग्जांपल हुआ सिंपल सा। अब देखो जैसे कि ये मार्केट है, ठीक है ना, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ तो आ गया, ठीक है ना। फिर भी हम एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे ये मार्केट है, ठीक है, इस मार्केट में ये एक पर्टिकुलर मार्केट है कोई भी, ठीक है ना। ये मार्केट में हम ये मिल्क शॉप हो गई, ठीक है ना, ये कोई मिठाई की मिल्क शॉप ये हो गई हमारी, ठीक है। ये जनरल स्टोर हो गया कोई भी, ये मेडिसिन शॉप हो गई, ठीक, ये मेडिसिन शॉप हो गई, और ये हमारी कोई भी एसेसरीज की दुकान हो गई, ठीक, और ये हमारी व्हीकल्स की हो गई, ठीक। तो ये पूरा एक मार्केट है। अब ये मार्केट में एक पर्टिकुलर, जैसे हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक, मिल्क प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। बट इधर ही अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, पूरी मार्केट के बारे में। जब हम पूरी मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब मुझे लगता है कहीं भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाउट रह गया, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक था, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी चीज के बारे में बात करना, ठीक है, सारी चीज को इन्वॉल्व करके बात करना, इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर, अब हम पढ़ेंगे हमारी नोट्स से, ठीक है ना। देखो पहले हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है ना। क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, एक पर्टिकुलर जो हमारा फैक्टर है, पर्टिकुलर हमारा वेरिएबल, वो किस तरीके से काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक का, पर्टिकुलर वेरिएबल का बिहेवियर क्या है, उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट एक्सप्लेन how these individuals as consumer, household, resource owner, producer play their part in the working of the whole economic system. ये क्या बताता है कि एक जो individual हमारा consumer है, वो हमारे market में क्या role play करता है। ये जो हमारा producer है, producer के बारे में study को कि वो हमारे market में क्या role play करता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे sellers हुए, ऐसे ही हमारे raw material suppliers हुए जो हमें raw material provide करते हैं, ठीक है ना। ये सारे लोग जब हम इन सब सारे लोगों की अलग अलग individual study करते हैं, इन्हीं studies को हम क्या बोलते हैं micro economics बोलते हैं। किसी भी चीज की पर्टिकुलर स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द फॉलोइंग, क्या है पहला, प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या है, प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट में मार्केट किस तरह से चलेगा और प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से होती है, ठीक है ना, हम ये पढ़ेंगे। अब प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है ना, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना होगा। देखो ये दोनों पॉइंट किसके हैं, प्रोडक्ट मार्केट के, और ये जो कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग है ये किसके पॉइंट है, हमारे प्राइसिंग के, ठीक है ना। तो ये जो डिमांड है हमारी प्रोडक्ट की, डिमांड कितनी है, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट की डिमांड होगी, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, इस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं ये सब, ठीक है ना। और ये जो हमारी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन भी क्या आती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है कि प्रोडक्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं, कम से कम खर्चा कैसे कर सके। अब ये देखो कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है खर्चा। तो हमारे प्रोडक्ट में किस तरीके से खर्चा हो रहा है, हम अपने खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं, इसी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ये भी किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है।
और क्या है प्रोडक्ट प्राइसिंग, जब हमारा जितना खर्चा हुआ उस हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग कैसे रख सकते हैं, इस चीज की स्टडी भी किसमें आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। फिर क्या है हमारा फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है ना। अब फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग का क्या है, वेजेस। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है हमारे रिसोर्सेज, फैक्टर का मतलब होता है हमारे रिसोर्सेज, ठीक है ना। रिसोर्सेज को हम अपने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। जैसा कि अब फैक्टर्स हमारी लेबर भी, रिसोर्सेज क्या है हमारे लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम, ह्यूमन रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं, लेबर को बोलते हैं ना। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लेबर। फैक्ट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं, हमारी लेबर। और हम लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं ना। तो वेजेस सबसे पहला क्या है कि हम लेबर के लिए कितनी वेजेस उसके क्या हो सकती है, उसके हिसाब से हम जो उसका काम है उसके हिसाब से कितनी डिपेंड है उसके काम के ऊपर वेजेस, ठीक है, कितनी उसको देना चाहिए हमारे लेबर को, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हमारे इंटरेस्ट, जो भी हमारे सप्लायर्स वगैरह है, इन्वेस्टर्स वगैरह, उनको कितना इंटरेस्ट देना है अपन को, उसकी स्टडी भी किसमें आती है। एक देखो इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है हमारे इन्वेस्टर्स को, उसकी स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। रेंट, कितना रेंट हमारी जो जगह है उस जगह का किस हिसाब से कितना रेंट बन सकता है, ठीक है ना। और जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें प्रॉफिट किस तरीके से और कितना आना चाहिए और आ सकता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर हम अपनी सोसाइटी का कल्याण किस तरीके से करें। वेलफेयर का मतलब इधर क्या होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण। हम अपनी सोसाइटी का किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। सारी जो भी सोसाइटी में हम जैसे कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए हमने बहुत से वाटर वो लगवा दिए, वाटर कूलर्स लगवा दिए, पानी पीने की मशीन्स लगवा दी बहुत सारी, ठीक है ना। और भी जो गरीब है, गरीबों के लिए हमने अनाथ आश्रम खुलवा दिए, सब क्या है, वेलफेयर प्लान से। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब है सोसाइटी को हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, सोसाइटी का कल्याण हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारा क्या था, हमने क्या पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज की स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ होल रादर देन द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसकी बात करते हैं, पूरी होल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, पूरा एक सिस्टम जो हमारी कंट्री का पूरा सिस्टम है, किस तरीके से हमारी मनी सप्लाई पूरी, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज के कैसे चलते हैं, इंडस्ट्री कैसे चलती है, ठीक है ना। ये सब पूरी जो पूरा हमारा सिस्टम है इंडिया का, पूरी कंट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द फेस्ड बाय द एंटायर इकोनॉमी, प्रॉब्लम जो हमारी एंटायर इकोनॉमी ने फेस की, उसी प्रॉब्लम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के हमारे चैप्टर्स में, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना आउटपुट कितना आ रहा है और किस हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सब लोगों के लिए किस तरीके से किस चीज पे कितना प्राइस होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, हमारी जो रेवेन्यू किस कहाँ कहाँ से आएगा, जो हमारी नेशन की इनकम कितनी है, कितनी होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब के बारे में स्टडी की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हम किस तरीके से कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारी जो इंटरनेशनली हम जो हमारे पड़ोसी देश है फॉरेन के लोगों से हम अपने ट्रेड सीक्रेट्स क्या है हमारे, हम अपने लोगों से इंटरनेशनल फ्रेंड्स से कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी का मतलब क्या है, हम अपना करेंसी जो है वो किस प्रकार से अपनी करेंसी चला सकते हैं, थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है ना। मनी होता क्या है, मनी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से हमें अपनी कंट्री में मनी चलाना है, उसकी प्राइस कितनी होगी, ये सब वगैरह, इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पूरी जब हम कंट्री के बारे इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। पूरी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमी का आपको मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होती है, जहां सिस्टम जहां से हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करते हैं, अर्न करते हैं, और उसको किस हिसाब से खर्च करते हैं अपनी इकोनॉमी में, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमी की पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं,
क्लियर? लो ये जल्दी से लिख लो, मैं एक मिनट में आ रहा हूं। जीव से देखो, अब हम पढ़ेंगे हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इजी है, सिंपल है। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बता दिया, तो सिर्फ वही मतलब है, इसको हमने अलग अलग रख दिया है, ठीक है ना। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे होल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। तो देखो इधर क्या लिखा है, इट इज कंसर्न विद हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स टेक्स डिसीजन, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी होल इकोनॉमी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। फिर क्या है, स्टडी ऑफ फोकस, इट डील्स विद द प्राइस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज इन इंडिविजुअल मार्केट। ये किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करते हैं, जो एक जो कोई इंडिविजुअल मार्केट है उसकी प्राइस के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में बात करता है, सॉरी। इट डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम। इधर ये प्राइस के बारे में, एक इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात नहीं करता, ये किसके बारे में बात करता है, होल इकोनॉमी की इनकम के बारे में, नेशन की इनकम के बारे में बात करता है, ठीक है ना। फिर क्या है, बेसिक पैरामीटर, ये किसके बारे में, इसका एक बेसिक पैरामीटर क्या है, प्राइस है, ठीक है ना। इसका बेसिक पैरामीटर क्या है, इनकम है। इधर क्या है, उसकी किसी पर्टिकुलर मार्केट की प्राइस, मार्केट में प्राइस कितना होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स उस बारे में बात करता है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स बात क्या करता है, उसकी इनकम कहां से आएगी, इनकम किस तरीके से आ सकती है उसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। फिर क्या है, मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी का मतलब क्या है, यूजेस द टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर आप अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चल के जो हमारा चैप्टर आएगा तो हम वहां पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी एनालिसिस होती क्या है, ठीक है ना। यूजेस द टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और दूसरा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी टेक्निक यूज करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है ना। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी टेक्निक यूज करता है, यूजेस द टेक्निक ऑफ क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर हम पूरा पढ़ेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है ना। नेचर ऑफ अजम्पशन, ठीक है ना, इट अज्यूम द टोटल आउटपुट इन इट अज्यूम दैट टोटल आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये किसके बारे में बात करता है, कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितना आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, और पर्टिकुलर इंसान को हम पर्टिकुलर लोगों को हम क्या दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। और उनकी इनकम किस तरीके से, हम अपनी इनकम किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है ना। और फिर क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। और हमारे रिसोर्सेज कहां-कहां से आ सकते हैं और अपने जो हमारे आउटपुट्स है उनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात कौन करता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है, ठीक है ना। क्लियर, लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। सो ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया ये पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मायसेल्फ सरत साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेज वीडियो, सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।